वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भरतपुर से मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, विवाद के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग तक चल गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई और एक घायल हो गया है। तो मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़ गए थे और घायल को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे भरतपुर से, शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में एक मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़े के दौरान फायरिंग की गई और इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो विवाद के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई है और इस पूरे मामले में दो लोगों की मौत हो गई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी जानकारी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है, घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई और ये झड़प इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी दोनों पक्षों में और फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। फिलहाल एक घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर उसका इलाज जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और घायल व्यक्ति के इलाज के बाद उससे पूछताछ पुलिस करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें भरतपुर से, बड़ी खबर, मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई है, एक घायल है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, विवाद के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, फायरिंग में दो लोगों की मौत, एक घायल हुआ। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तापा शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में ये फायरिंग हुई और बड़ी खबर, यहाँ पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है और घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसका इलाज जारी है। शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में ये फायरिंग हुई थी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, विवाद के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बात इतनी आगे बढ़ गई कि फायरिंग दोनों पक्षों में चलने लगी और इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ विवाद हुआ था जिसके बाद फायरिंग हुई? जी बिल्कुल, भरतपुर शहर के सुभाष नगर कॉलोनी की घटना है। ये रात को दो पक्षों के बीच में दो पड़ोसी थे, उनमें शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। रात को लड़ाई झगड़ा शांत हो गया था लेकिन सुबह राजीनामा की बात चल रही थी, दोनों पक्ष बैठे हुए थे, उसी में गर्मा गर्मी हो गई। थोड़ी सी कहासुनी पे बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने रिवॉल्वर वगैरह निकाल दी, मतलब अवैध हथियार निकाल लिया और उसके बाद उसने फायरिंग कर दी। एक बाप बेटे की मौत, जिससे रात को झगड़ा हुआ था, उन दोनों की मौत हो गई। एक जो बीच में बचाने के लिए आया था उसके भी थर्रे लगे हैं, उस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुआ। हालांकि सूचना मिलते ही अटलबन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और दो तीन लोगों को जो जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, जैसे पुलिस ने पता किया उनको, दो तीन को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। और बात तो वास्तव में घटना करने वाले जो लोग थे वो भाग चुके थे लेकिन जो उनके सहयोगी थे उनको पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी सारे पहुंचे थे मौके पर, एसपी से लेकर सारे आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर पूरे मामले की छानबीन की है। क्योंकि छोटा मोटा मामला था, एक छोटा झगड़ा था, कोई ऐसी पुरानी ज्यादा रचिश भी नहीं थी, लेकिन थोड़े से मामले पर ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना थी। जी बिल्कुल राजीव, फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जो मेन पक्ष के जो मेन लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, फायरिंग की थी या जिसने फायरिंग करने में सहयोग किया था, उनकी तलाश की जा रही है।
तमाम उनके ठिकानों पर दबिश की लिए टीमें बनाई गई हैं। बाकी को तीन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो भी संदिग्ध इलाके जो ऐसे इलाके हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है जहां वो मिल सकते हैं, तो पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है फिलहाल। लेकिन दो लोगों की घटना में मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज भी कराया जा रहा है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज है वो आरबीएम अस्पताल में, जिला अस्पताल में वहाँ उसकी इलाज की व्यवस्था सुचारू की गई है। पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि दो लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, तो क्या जो मृतक के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या उन्होंने केस दर्ज करवाया है? जी घटना हुई है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, दो लोगों की मौत हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने कहा था। अब चूंकि घर में अभी विवाद का मामला था, थोड़ी देर पहले की घटना है, अभी घर में कोहराम मचा हुआ था। एक घर में जब दो मौत होती है बाप बेटे की तो बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है, दुख का पार टूटा हुआ है इस समय। एक जो उनका घर का मेंबर था वो घायल हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी व्यवस्था की जा रही है, अभी FIR की व्यवस्था भी की है, जो SP वगैरह सारे मौके पर पहुंचे थे उन्होंने भी उनसे कहा था, और उसके बाद वहां लिखाई जाएगी। अभी थोड़ी बहुत देर में FIR की कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद पुलिस तो कार्रवाई में अपने घटना तो हुई है, FIR होती रहेगी, लेकिन घटना हुई है, घटना को अंजाम दिया गया है, दो लोगों की मौत हुई है, तो उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।